subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. दोस्तों कहना गलत नहीं होगा कि कपिल शर्मा के चैट शो की सफलता को देखकर दबंग खान काफी खुश है और यही वजह है कि कपिल शर्मा की डूबती नैया को पार लगाने के बाद सलमान खान एक बार फिर से टीवी की दुनिया में छाने के लिए कमर कस चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सलमान खान का प्रोडक्शन हाउस एक बार फिर से नए शो के साथ दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए आ रहा है। वह खबरों की माने तो ये शो जाने माने पहलवान गामा पहलवान के जीवन पर आधारित होने वाला है। वैसे तो आपने खली जैसे पहलवानों के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन सलमान खान के इस शो के जरिए आप इस जाने माने पहलवान की जिंदगी को देखने का मौका मिलने वाला है। वेल, आपको जानकर तो हैरानी होगी कि पहले सलमान खान इस कहानी पर फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन बाद में फैसले को बदलते हुए टीवी शो बनाने का फैसला ले लिया गया। यहाँ अगर बात की जाए शो के स्टार कास्ट की, तो इस सीरियल में सलमान खान के भाई सोहेल खान फिल्म के टाइटुलर किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा मोहम्मद नजीम शो में गामा के भाई इमाम बख्श के रूप में नजर आएंगे। सलमान खान के इस शो के डायरेक्टर पुनीत इस्सर है। पुनीत ने सलमान खान के साथ फिल्म गर्व में भी काम किया है। ताजा मिल रही जानकारी के मुताबिक इस सीरियल की शूटिंग पंजाब और लंदन में पूरी की जाएगी। मेकर्स जुलाई तक शो को ऑन एयर करना चाहते हैं और यही वजह है कि शो का शूट अप्रैल तक शुरू कर दिया जाएगा। पर यहाँ अगर बात की जाए सलमान खान की फिल्मों की, तो वो इस समय अपनी अपकमिंग फिल्म भारत में काफी व्यस्त है। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट नजर आएंगी कटरीना कैफ। सलमान खान और कटरीना कैफ के अलावा फिल्म में दिशा पाटनी, सुनील ग्रोवर और नोरा फतेह जैसे कलाकार भी नजर आने वाले हैं। ये फिल्म कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का ऑफिशियल रिमेक है और फिल्म भारत ईद के मौके पर रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों, आप सलमान खान के इस नए शो को लेकर कितने एक्साइटेड है ये हमें जरूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में, और पॉप बॉलीवुड को सब्सक्राइब करें।